नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग के साथ हुई घटना चीख चीख कर सत्ता के मद में मस्त सत्ताधीशों से सवाल पूछ रही है। सुरक्षित समाज के रखवालों से भी अपने सुरक्षित आशियाने का पता पूछ रही है। इस घटना से सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में आरोपी के पिता का बयान सामने आया है। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना। यही बोलता मैं कि उसको सजा देनी चाहिए। वही अगर गलती नहीं करी है उसने, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। देश भर को स्तब्ध कर देने वाले उज्जैन रेप केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जुर्म की जालिम दास्तां लंबे समय तक हमारे समाज को धिक्कारती रहेगी। रेप पीड़ित 12 साल की बच्ची का बिना कपड़ों के मदद की आस में गलियों में भटकने का जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। ये सही है कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस ही नहीं, राज्य सरकार ने भी तेजी दिखाई। क्योंकि विक्टिम नाबालिग बच्ची कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस को वारदात की जगह पर भी ले गया जहां बच्ची के कपड़े बरामद हुए, यानी माना जा सकता है कि ये केस प्राथमिक तौर पर सुलझ गया है। लेकिन दुख, दर्द और दुष्कर्म की इस घटना में एक लाचार पिता के दुर्भाग्य की कहानी भी देखने को मिली है। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है। ये ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना। किसी भी धर्म की बेटी है, वो हमारी बेटी है। वो मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता। यही बोलता मैं कि उसको सजा देनी चाहिए। वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ पे हमको विश्वास है, वो बाहर आएगा। और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।